इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। माना जा रहा है कि आईपीएल में धोनी का भविष्य एक खास शर्त पर निर्भर करेगा, अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई इसकी इजाजत देता है तो। धोनी शायद सीएसके के अब तक के सबसे महान खिलाड़ी हैं और शायद आईपीएल खेलने वाले सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। कप्तान के तौर पर उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में सुपर किंग्स को 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है। पूरे साल कोई प्रतिस्पर्धा क्रिकेट नहीं खेलने के बावजूद धोनी पिछले कुछ सालों से आईपीएल में बेहतरीन खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से उनके आईपीएल से संन्यास लेने की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया कि धोनी का संन्यास एक खास स्थिति पर निर्भर करेगा। आपको बता दें, क्रिकबस के अनुसार एमएस धोनी का संन्यास आईपीएल 2025 सीजन के लिए अनुमत रिटेंशन की संख्या पर निर्भर करेगा। वर्तमान में सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जाडेजा, मथीशा पथराना और शिवम दुबे को रिटेन करने की संभावना है। जरूरी नहीं कि क्रम एक जैसा हो। यदि बीसीसीआई अधिक खिलाड़ियों को बरकरार रखने की अनुमति देता है तो धोनी कम से कम अगले साल तक आईपीएल में खेलना जारी रख सकते हैं। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक संरक्षक की भूमिका निभाएंगे, जिसके माध्यम से वो डगआउट से टीम के संचालन और संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सीएसके के सहमालिक एन श्रीनिवासन और एमएस धोनी पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं और अगर 5 या 6 या इससे अधिक खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दी जाती है तो विकेट कीपर बल्लेबाज खेलना जारी रख सकते हैं। बहुत कुछ बीसीसीआई की आईपीएल टीम मालिकों के साथ होने वाली बैठक पर निर्भर करेगा जो 13 जुलाई को मुंबई में होने वाली है। एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ सीएसके की ओर से प्रतिनिधि होंगी। कई मालिकों के पास खिलाड़ियों को बनाए रखने की नीतियों के बारे में कई सुझाव हैं और वे बोर्ड के सामने अपने विचार पेश कर सकते हैं। धोनी पूरे साल कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन जब आईपीएल की बात आती है तो वो अपनी प्रिय टीम चेन्नई सुपर किंग्स में वापस आ जाते हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाले महान कप्तान 2008 में इनकी स्थापना के बाद से ही इस फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं। पहले साल चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर रोमांचक मैच हारकर उपविजेता रही थी, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और वे आईपीएल इतिहास की सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम बन गई। सीएसके ने पहला आईपीएल खिताब 2010 में जीता था और अगले साल ही उन्होंने अपना खिताब बरकरार रखा। उन्हें अपने अगले आईपीएल खिताब के लिए 7 साल और इंतजार करना पड़ा और आखिरकार उन्होंने 2018 में इसे जीत लिया। फिर उन्होंने 2021 में केकेआर को हराकर अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता। चेन्नई ने अपना आखिरी और सबसे हालिया आईपीएल खिताब 2023 में जीता था, जब उन्होंने फाइनल में गुजरात टाइटंस को मैच की आखिरी गेंद पर हराया था। उनके सभी खिताब एमएस धोनी की कप्तानी में आए थे। वे आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे सफल फ्रेंचाइजी है। वैसे आपको क्या लगता है कि 2025 का आईपीएल एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें क्रिकेट केसरी।